morning, all of you, my dear students. Welcome back. Now I to teach you parts of speech. My dear students, as the math teacher tells you the related formula of the question in order to solve the question of mathematics. जिस तरह से मैथ का टीचर आपको एक फॉर्मूला बताता है क्वेश्चन हल करने के लिए, ठीक उसी तरह से आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड यू ऑन दी लाइन, मैं भी आपको उसी लाइन पर ले जाना चाहता हूँ. हियर यू कैन फाइंड ए फॉर्मूला बाय विच यू कैन सर्च द रूट ऑफ इंग्लिश, जिससे आप अंग्रेजी की जड़ को समझ सके. एंड द रूट ऑफ इंग्लिश इज द ग्रामर, और अंग्रेजी की जड़ है सबसे पहले व्याकरण. स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच, जिसकी शुरुआत होती है पार्ट ऑफ स्पीच से. माय डियर स्टूडेंट, द डेफिनेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन ए मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है कि वर्ड फंक्शन यानी काम कैसे करता है, किस रूप में काम करता है, कैसे काम करता है, एज वेल एज ग्रामेटिकली. और उसी तरह से ग्रामर का भी ध्यान है उसके अंदर या नहीं, या बिना ग्रामर के सेंटेंस इधर उधर घूम रहा है विद इन द सेंटेंस. नाउ कम हियर एज एग्जाम्पल, राम इज टीचिंग द क्लास, राम क्लास को पढ़ा रहा है. एग्जाम्पल ये उदाहरण है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में दिया गया है. इसमें ये बताया गया है कि शब्द किस तरह से काम करता है, अपना मूल अपना अर्थ दिखाते हुए, और साथ ही व्याकरण को भी दिखाते हुए किस तरह से सेंटेंस में काम करता है. राम इज टीचिंग द क्लास, राम इज नाउ देयर आर फाइव वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस के अंदर पांच शब्द है. राम इज टीचिंग द क्लास, पहला शब्द है राम, जिसको हम राम के नाम से बोलते हैं. अगर हम बुरी तरह से बात करते हैं तो ये राम विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन, तो ये राम कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा. इसके बाद इज इज वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यानी कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट का उसके कंपोनेंट से संबंध जोड़ती है. यानी कि ये वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट का संबंध बाकी जो लिखा हुआ है उससे बताती है कि वो क्या कर रहा है. और इसके अंदर क्लियर हो गया राम इज टीचिंग द क्लास कि राम कक्षा को पढ़ा रहा है. टीचिंग टीचिंग है वर्ब जिसको ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं. अब ट्रांजेटिव वर्ब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जब एक टॉपिक आएगा काइंड्स ऑफ वर्ब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. द क्लास, क्लास ये भी एक नाउन है जिसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं. कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें यह पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है कि कोई शब्द किस मीनिंग के रूप में काम करता है और वो व्याकरण के मुताबिक है या नहीं. तो राम यहाँ पे काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, नाउन भी है, इज हेल्प वर्ब के रूप में काम करता है जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं, टीचिंग मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और द क्लास जिसको ये ऑब्जेक्ट भी कहलाया जाएगा और साथ ही ये नाउन भी कहलाया जाएगा यानी कलेक्टिव नाउन भी कहलाया जाएगा. नाउ कम टू काइंड्स, अब इसकी काइंड्स पर आओ. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, देयर आर एट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच की आठ भाग होते हैं. नंबर एक नाउन, नंबर दो प्रोनाउन,
नंबर तीन एड वर्ब, नंबर चार एडजेक्टिव, नंबर पांच वर्ब, नंबर छह प्रीपोजिशन, नंबर सात कंजंक्शन और नंबर आठ इंटरजेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, ये के नाउन, सबसे पहले हम लेते हैं नाउन को। वैसे भी नाउन बहुत जरूरी है इंसान के आम जीवन में। डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया और एक्शन। ये किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या कोई विचार और एक्शन के नाम को नाउन कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल, द बॉय सिटिंग ऑन द सीट इन द क्लासरूम। बच्चा बैठा हुआ है सीट के ऊपर और क्लासरूम के अंदर वो सीट है। माय डियर स्टूडेंट, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ये किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। व्यक्ति इसके अंदर है बॉय, बर्बन। बॉय पर्सन, प्लेस द क्लास रूम और थिंग ऑन द सीट। And now we divide it by taking them as noun. अब हम noun को लेते हुए उसको divide करते हैं। Boy common noun है, noun में बोला जाएगा, common noun बोला जाएगा। और एक linking verb है, second main verb है, तो इसको transitive verb भी बोलते हैं। और preposition है, तस्वीर ठीक है जो कि परिभाषा दिया हुआ है। इन द क्लासरूम, ये प्लेस है, तो पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों की थिंग्स हैव कम इन दिस एग्जांपल। तीनों चीजें इस एग्जांपल के अंदर आ चुकी है। अगर दूसरे से बात करें तो सब्जेक्ट है वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू पॉइंट्स ऑफ नाउन, देर आर फाइव काउंट्स ऑफ नाउन। पांच प्रकार के नाउन होते हैं। नंबर एक कॉमन नाउन, नंबर दो वर्ब नाउन, नंबर थ्री कलेक्टिव नाउन, नंबर चार मैटेरियल नाउन, नंबर फाइव एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट्स ऑफ, दिस वाज द काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन अलोंग विद एग्जांपल। अब मैं उनको बताऊंगा एक एक करके परिभाषा के साथ, एग्जांपल के साथ। एंड आई थिंक दैट यू विल हियर इट अटेंटिवली। और मेरा मानना है, विश्वास भी है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक सुनोगे। माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल टेल यू the definition of kinds of noun one by one. So we take first of all, I have already told you that there are five kinds of noun. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ noun की पांच कैटेगरी होती है। नंबर वन common noun, proper noun, corrective noun, material noun and last abstract noun. तो now we take first of all common noun. सबसे पहले लेते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन बिगिन नाउन दैट रेफर्स टू अनस्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। कि वो नाउन है जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का अध्ययन तो कराता है, लेकिन वो ऐसी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए जो कि महत्वपूर्ण कैटेगरी हो। यानी कि ये बताता है कि इस कैटेगरी में, इसके ये कैटेगरी एक जनरल कंपार्टमेंट की तरह है, इसमें जनरल लोग भी आते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जनरल कैटेगरी है। इन दिस
ओनली द रूपीन व जनरल दे कम ओनली, इसमें वही लोग आते हैं जो आम लोग होते हैं. एग्जाम्पल टेबल चेयर बुक पेन सिकी काउंट बॉय एक्सेट्रा. केबिल केबिल एक वस्तु है, चेयर ये भी एक वस्तु है, बुक पेन ये भी एक वस्तु है, सिकी एक स्थान है, काउंट एक स्थान है, और बॉय पर्सन है, बॉय एक नाउन है, गर्ल भी नाउन है. ये इन सबको शामिल किया गया है कॉमन नाउन के अंदर. हालांकि ये नाउन आते हैं मगर इनको कोई महत्व नहीं दिया गया क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही इनका कोई नाम नहीं है. तो यही वजह है इनको जनरल कैटेगरी यानी कॉमन नाउन में माना गया है. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इसके थोड़ा सा खिलाफ है. कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट हैज पास्ट टू एन स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग. राइट, कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट हैज पास्ट टू द स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग. तो लाइक या और एक्शन. ये वो नाउन है जो कि जरूरी इंसानों के स्थानों के और वस्तुओं के बारे में बताता है. ये जरूरी है, फेमस हो चुके हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है. जैसे अकबर थे, अशोक थे, गांधी थे, जिन्होंने विचारों ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी. दैट फोर्ट फेमस जगह का नाम है, दिल्ली फेमस है, लंदन फेमस है. तो दिस वेलकम इंडिकेटरी ऑफ कॉमन नाउन. नाउ कम टू कलेक्टिव नाउन. इज अ नाउन दैट देयर फर्स्ट टू रिक्रूट ग्रुप ऑफ एनिमल्स पर्संस फॉर थिंग्स. ये वो नाउन है जो इंडिकेट करता है एनिमल्स का, अध्ययन कराता है एनिमल्स का, व्यक्तियों का और वस्तुओं का, वो भी इनके ग्रुप का, एक या दो में नहीं बल्कि इनके ग्रुप का अध्ययन कराता है. जैसे आर्मी आर्मी अगर इफ द पुलिस इज अनेबल टू कंट्रोल फॉर द होप फॉर द व्योलेंस फॉर द रियोक्स देन आर्मी विल बी कॉल्ड गलत पुलिस. कोई किसी काम को हिंसा को रोकने नाकाम रहती है तब उसकी जगह पर आदमी को बुलाया जाएगा. और आदमी में एक दो जवान तो होते ही नहीं, कम से कम 50-100-150 इतने जवानों को बुलाया जाएगा. इसलिए लिहाजा उसको आदमी ही बोला जाएगा. नंबर दो, टीम के अंदर भी एक या दो आदमी नहीं होते, एक या दो प्लेयर नहीं होते, 5-6 प्लेयर प्लेयर होते हैं, इससे इसको टीम बोला जाएगा. ऐसे ही कमेटी है, कमेटी ग्रुप को पर्सन ये भी व्यक्तियों के ग्रुप का व्यक्तियों का ग्रुप को अध्ययन करता है. पुलिस एजाजों का ग्रुप और टूअल बोल दें पुलिसमैन एक लॉ को गॉड भेड़ बकरियों का एक समूह में 2-4-6 भेड़ बकरी भी हो सकती है, 10-50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है. ग्रुप को पसंद व्यक्तियों का समूह एक्सेट्रा लाइक तो करप्ट नाउन इज अ नाउन दैट हैज पास्ड टू द ग्रुप ऑफ एनिमल पर्सन और थिंग्स. वस्तु हो या जानवर हो या व्यक्तियों उनके ग्रुपों के बारे में ये बताता है, अध्ययन कराता है. एग्जाम्पल देख लो, द पुलिस वॉज कॉल्ड कंट्रोल द मोब. पुलिस को बुलाया गया मोब पर कंट्रोल करने के लिए. पुलिस भी करप्ट नाउन में आएगा, मोब भी करप्ट नाउन में आएगा, ये दोनों करप्ट नाउन में आएगा. नाउ कम
टू राउंड नंबर फोर फैक्टर नाउ इज अ नाउ दैट दैट फर्स्ट टू ए मैथियन फॉर सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड सच एज आयरन सिल्वर गोल्ड डायमंड कोहिनूर पेपर प्लास्टिक और कोई ये वो नाउन है जो ये बताता है किसी उस जो किसी उस मैटेरियल के बारे में व्यक्त कराता है जिससे ऐसी वस्तुएं बनती हैं जैसे सिल्वर आयरन सोना प्लास्टिक हीरा कॉटन कॉइन ये वस्तुएं पेपर बनती है। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम गैस्ट्रो फ्रॉम गैस्ट्रो पेपर एंड जूट पेपर पेपर किससे बनता है जो नष्ट हो चुका पेपर होता है जिसे हम पढ़ चुके होते हैं जो किताबें खराब हो चुकी होती हैं पढ़ चुकी होती हैं रत्ती में ज्वाले वाली होती हैं उनका एक पेपर बनता है तो किससे बनता है वो जो जूट पेपर है या जी आइटम है गैस्ट्रो पेपर है वो नष्ट हो चुका होता है उससे वो ये वो वही मेटीरियल है या वो सब्सटेंस है जिससे हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं वो उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं नंबर एक है उसमें पेपर बनता है नंबर दो किताबें बनती हैं और अगर हम अगर डायमंड की बात करें या गोल्ड की बात करें तो ये भी जो खानों में पाया जाता है पदार्थ उससे सोना या डायमंड बनता है और सिल्वर भी ऐसे पदार्थ से बनता है जिसको संज्ञा दी गई है मैटेरियल और सब्सटेंस की और यही परिभाषा आपके सामने है कि मैटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू मैटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड एज सिल्वर आयरन रूपी कॉइन प्लास्टिक डायमंड कोहिनूर गोल्ड लाइक दिस कॉइन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम पेपर ये कॉइन भी पेपर से बनता है ए नोट ऑफ 500 रुपीज ए नोट ऑफ 2000 रुपीज इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ए पेपर तो व्हाट आर द कंडीशन ए रिटन डाउन एंड कम्स इन मैटेरियल नाउन That I want to show, that I want to approve, that such type of words in come capitally in this definition. मैं बताना चाहता हूँ इस definition के अंदर ये सब आएंगे कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया. Now come to five abstract numbers, abstract noun. It is the noun that refers to the quality or disquality or any type of thing. ये वो नाउन है जो बताता है किसी चीज की काबिलियत के बारे में अयोग्यता के बारे में या उसकी डिग्री क्या है उसके बारे में फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम स्लेवरी ग्रेवली पॉवर्टी कंफ्यूजन लाइक दिस Also, there are 165 words which come in order to explain the abstract noun. But I have given only 4 or 5 words only, and that is in order to tell you the example. मैंने सिर्फ भारत में होते तो 165 शब्द हैं जो भी होते हैं लेकिन मैंने आपको सामने सिर्फ पेश किए 5 ये बताने के लिए कि ये सिद्ध करते हैं कैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रीडम नाउ आई विल टेल यू बाय यूजिंग द वर्ड दैट फ्रीडम इन ए सेंटेंस आर्मी आर्मी फाइट्स अगेंस्ट द एनिमी एंड गेट्स फ्रीडम सेना हमेशा जब भी दुश्मन से लड़ती है तो गेट्स फ्रीडम यानी कि आजादी देती है एंड एवर आवर आर्मी
heißt Potenzial in mir, dann habe ich ein Arm in Gastrikti. Hamesha Gastrikti oder Gastrikti. Hamesha Adati. Wollen wir schon? Nein. Wir sind frei, never been free. Wir die Kanäle hier, haben wir in diesem Moment Adat. And we can face the enemy. If any boss of enemy can cast inside the nation. अगर कोई दुश्मन की कोई टुकड़ी हमारे देश के अंदर आती है तो हम देश के एक आजाद नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज है, हम उसका आजादी के साथ मुकाबला करें. And we shall not let him to come inside in our area. और हम उसको अपने क्षेत्र में आने नहीं देंगे. नंबर टू एक और पसंद और पसंद साथ दे बस सम आदमी तो सभी बहादुर होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो रास्ता के अंदर यानी कि थोड़ा सा एक दबाव के रूप में जिंदगी यापन करते हैं तो नॉन एस रेवली आर्मी आर्मी द एनिमी सेना हमेशा दुश्मन का सामना करती है रेवली बात नहीं के साथ पावर की रिच पुअर ए पर्सन हु इज हैविंग द मनी मोर देन लिविंग ए पर्सन हु इज करोड़पति हु इज लखपति तो दिस दीज आर द कैटेगरी ऑफ ए नेचर ऑफ एनी पर्सन. ये सब उसकी प्रकृति ना उसकी उस इंसान की प्रकृति उसकी इंसान की नेचर उस इंसान की कई बताई गई है कि वो इंसान किस तरह का है. पावर की इज नॉट द रीजन ऑफ ए डिजीज निर्धनता किसी बीमारी का कारण नहीं है यानी कि बीमारी का कारण नहीं है भी किसी बीमारी की वजह से निर्धनता नहीं आती है. आउटकम टू कंफ्यूजन इज नेम पाई टू हैव ए डाउट इन माइंड बाय टीचिंग द क्लास और बाय डिस्कसिंग अबाउट एनी चैप्टर और बाय गिविंग द लेक्चर अबाउट द टॉपिक. इसको हम एक घबराहट बोलते हैं जिसे हम डाउट भी बोल सकते हैं यानी एक शंका जब कोई आदमी बोलता है या पढ़ाता है लिखता है समझाता है उसके अंदर वो समझा तो देता है लेकिन कभी कभार ऐसा मौका होता है कि समझाने बताने के बाद भी उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ठीक है एक टीचर वो टीचिंग द क्लास विद फुल कॉन्फिडेंस. एक वो टीचर जो क्लास को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा रहा है बट ऑल्सो कंप्लीटिंग हिज टीचिंग लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी ही हैज सम कंफ्यूजन इन माइंड अपने दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रखता है. तो दिस वर्ड विल बी यूज देयर माय स्टूडेंट आई टोल्ड यू फाइव पॉइंट्स ऑफ द नाउन एलोंग विद प्रैक्टिशन एंड देयर एग्जांपल इन हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश. मैंने आपको नाउन की पांचों पॉइंट बताई हैं परिभाषा के साथ और साथ ही उनके उदाहरण के साथ. आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड देम इन ए परफेक्ट वे व्हेन यू वॉच दिस वीडियो ऑन द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल. जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं. एंड नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन. आगे स्टूडेंट नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. देयर इज कॉमन नाउन एंड देयर इज प्रॉपर नाउन. इन कॉमन नाउन
हैव रिटन डाउन मैन बॉय वोमेन गर्ल प्लैनेट सिटी स्टेट कंट्री लैंग्वेज माउंटेन रिवर रोड ओशन एंड कंपनी. नाउ कम टू कॉमन नाउ जॉन मैरी नेपट्यून दिल्ली लंदन पेरिस कैलिफोर्निया इंडिया जापान अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया. फ्रेंच लैंग्वेज स्पैनिश बांग्लादेश गंगा जी की रोड पैसिफिक एंड सोनी. आर्गेस्ट फ्रेंड द कॉमन नाउ वॉट आर द वर्ड्स आर रिटन डाउन मीनिंग द कॉमन नाउन आर हैविंग इन देम and that is also a famous name. But common noun, they are not having in them. Also, they are not famous. There are two differences in common noun and proper noun. One difference, it will not be called by them. Why? It will be called by them. Difference number two, it will be in general category while it will be in famous category. There are only two differences. Whatever I put here, this is two different things jo maine abhi aapko batayi hai. Iska naam nahi hai, iska naam hai. Ye famous nahi hai, ye famous hai. Waise hi paribhasha ke andar bataya tha, common noun is the noun. Noun that refers to any specific person, place or thing. ये उसी कैटेगरी में आता है. And proper noun is a noun that refers to specific person, place or thing, idea or action. और ये उसी कैटेगरी में आता है. Man boy, man boy है आदमी और लड़का. कौन है कौन नहीं, सिर्फ ये तो सिर्फ common noun में आएगा. अगर इफ यू कॉल हिम If you call him by them, then it will come automatically in proper noun. And no naam de diya, John, or woman, girl ka naam de diya, Mary. To ye proper noun mein aayega, aur ye common noun mein aayega. Man, boy, woman, girl. Now come to planet. Grah to bahut hai, lekin un sab grah mein sabse bada aur vishal grah hai Neptune. वैसे इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं. नंबर फोर सिटी शहर कस्बा तो बोल देते हैं. अगर कोई पूछे आपसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कह दें कि सिटी में जा रहा हूँ, तो ये कॉमन नाम में आएगा. अगर आप कहें वो पूछे आपसे कि कौन सा सिटी जा रहे हैं, एंड यू कॉल्ड द नेम ऑफ सिटी एज दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, और आप कहते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. ऐसे ही लंदन है वो भी दिल्ली की तरह है, पेरिस है वो भी दिल्ली जैसा है, तो ये फेमस है. बॉम्बे, बॉम्बे इज ऑल्सो कम ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक. कलकत्ता बंगास नाउ कम स्टेट. स्टेट देयर इज नो नेम ऑफ एन स्टेट. इन दिस कंडीशन इट विल बी नोन एज कॉमन नाउन. नाउ वी हैव कॉल्ड इट एज एज बाय देम कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक. नाउ कंट्री, कंट्री इंडिया जापान अमेरिका इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. लैंग्वेज की अगर बात करें, बहुत सारी लैंग्वेज हमारे देश के अंदर, देशों में लैंग्वेज इन आवर नेशन, उर्दू फारसी इंग्लिश और भी इन अदर कंट्रीज. इफ यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज दैट
can find and we can see French language, Spanish language. Although our language are also better, but out of them, French and Spanish are better. Now come to mountain. Mountain, there is a lot of mountain in our nation also, around the international level also, but Mount Everest is the most important. Now come rivers. River. If you call, if you say that there is a river near Allahabad, अगर हम कहें कि इलाहाबाद के पास एक नदी है, then it will come and it will be known as common noun. But if you call it that there is a Ganga, there is Jamuna, there is Saraswati near इलाहाबाद या at इलाहाबाद, then it will come automatically into as common noun. Gaur. Gaur. Jiki Gaur comes as proper noun. Ocean Pacific. Yani Hindustan Mahasagar is the largest ocean. And company Sony. In view of Diego, I want to tell you my question. Upar ko dekhte hue main batana chahta hu that proper noun is a noun that refers to the specific name of person, place or thing. ये वो नाम है जो कि एक विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम वस्तु का नाम रखता हो एक विशेष के रूप में विशेष तौर पर रखता हो यानी कि वो महत्वशाली जैसे कि ये वो कॉमन नाउन ये वो नाउन है जो कि व्यक्ति स्थान या वस्तु के बारे में तो बताता है लेकिन नाम लेके नहीं बताता वो ना ही वो वैसे भी उसको जनरल कैटेगरी में बताता है मैं नाम क्यों बताता है ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये कॉमन नाउन में है तुम्हारा जस्ट है उत्पाद डिफरेंसेज बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन ये इन दोनों में फर्क था जो मैंने आपको And I think that you will not have any doubt regarding my kitchen. मेरा मानना है आपको शायद इसमें कोई संदेह नहीं होगा. In spite of it also, अगर इसके बाद भी you have any doubt, you can clear your doubt by asking through your mobile screen. And I will clear your doubt. I will try my best to clear your doubt at the same time for the next day. I place myself here and my first part of parts of speech that is now is over. Second part will be started the day after tomorrow. Up to that time, and you are Namaskar. Yeah.